वेलकम बैक अजीज़ान ग्रामी। हम सूरा मोमिन कर रहे थे और हमने इसकी 6 आयात कर ली हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीन यहमिलून अल अर्श, जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं, वमन हौलहू, और जो उसके इर्द गिर्द हैं, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो तस्बीह कर रहे हैं हम्द के साथ अपने रब की, वयुमिनून बिही, और उस पर ईमान रखते हैं, वयस्तग़फिरून, और वो इस्तग़फ़ार करते हैं, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। रब्बना, ए हमारे रब, वसीअता कुल्ला शैइन, तूने तो अपनी रहमत से को बहुत वसी कर दिया है हर चीज़ को, कुल्ला शैइन रहमतन, हर चीज़ को तूने अपनी रहमत से, तेरी रहमत ने हर चीज़ का इहाता कर रखा है, तूने तो अपनी रहमत भर दी है हर चीज़ में, वाइलमन, और तेरे इल्म ने भी हर चीज़ को घेर रखा है, हर चीज़ तेरे इल्म के दायरे में है, यानी हर चीज़ का इल्म तुझको है, फ़ग़फ़िर, तो तू बख्श दे, लिल्लज़ीन ताबू, हर उन बंदों को जो तुझसे तौबा करें, वत्तबाऊ, और उन सब को जो पैरवी करें, सबीलका, तेरे रास्ते की, वक़हिम, और उन्हें बचा ले, अज़ाब अल जहीम, दोज़ख़ के अज़ाब से, आग के अज़ाब से। रब्बना व अदखिलहुम, ऐ हमारे रब, इन्हें दाखिल कर, जन्नात आदन निल्लती वादता हूँ, उन जन्नात में जो हमेशा रहने वाली हैं, जिनका कि तूने उनसे वादा किया है, वमन सलह मिन आबाइहिम, और जो उनके बाप दादों में से भी नेक हों, व अज़वाजहिम, और उनके मियाँ बीवी जो भी नेक हों, वज़ुर्रियातहिम, और उनकी औलादों में से भी जो नेक हों, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तो बहुत ज़बरदस्त और दाना है, वक़हुम सय्यात, तो उन्हें बुराइयों से बचा ले, वमन तक़ सय्यआती, और जो बच गया बुराइयों से, यौमा इज़िन, उस दिन, फ़क़द रहमता, तो तूने उसे उस पर रहम कर लिया, वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं, अल्लाह ताला की हम्द कर रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, और वो ईमान वाले हैं, और वो एक ड्यूटी पर भी हैं, और अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी लगाई है फरिश्तों की। अल्लाह ताला ने अपने मलाइका, वो वाले जो मुकर्रबीन हैं, जो अर्श के इर्द गिर्द हैं या अर्श उठाए हुए हैं, वो हर मोमिन के लिए गायबाना दुआ करें। फरिश्तों की आदत है कि वो मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, ज़ाहिर है मोमिन उन फरिश्तों के सामने तो नहीं है, तो इसलिए इसको गायबाना कहा जा रहा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब कोई मोमिन किसी अपने मोमिन गायब भाई के लिए दुआ करता है, तो ये फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं, क्योंकि इन फरिश्तों को भी अल्लाह ने यही ड्यूटी दी है, यानी आमीन कहने वाले फरिश्ते इस बात पर आमीन कहते हैं कि इलाही, ये बंदा उसके लिए दुआ मांग रहा है जो सामने नहीं है, तो यानी ये इखलास वाला बंदा है, इसके हक़ में भी वही दुआ इसको पहले अता कर दे, और उस बंदे के लिए जिसके लिए ये मांग रहा है उसको भी अता फरमा। कितना खुश नसीब है वो जो मौजूद नहीं, उसके लिए ये बंदा दुआ कर रहा है। ये ड्यूटी और ये मिजाज अल्लाह ताला ने फरिश्तों का बनाया है। अल्लाह ने ऐसे कई फरिश्ते बना दिए जो आपकी दुआओं पर, मोमिनीन की दुआओं पर आमीन कहते हैं, और आमीन वाले फरिश्ते ज़ाहिर है आमीन कहेंगे ही तब, जो दुआ अल्लाह ताला ने कबूल करनी है तभी उनको इजाज़त मिलेगी और वो आपकी दुआ पे आमीन कहेंगे। अल्लाह ताला ने बहुत सारे फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी जो उस वक्त नाजिल होते हैं जहाँ कहीं अल्लाह का ज़िक्र हो रहा हो, अल्लाह की बात हो रही हो, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा हो, और वो उतर के आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से रहमत तलब करते हैं, आपके गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, आपके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। और फिर इस तरह अल्लाह ताला ने बहुत सारे फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है जो फिरते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं उन लोगों को जो अल्लाह को याद कर रहे हों, जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पढ़ा जा रहा हो,
अब वो दरूद वाले फ़रिश्ते हैं, वो दरूद इकट्ठा करते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बतौर तोहफ़े के पहुंचाते हैं और बताते हैं कि पूरी दुनिया में फलां जगह से फलां बंदा आपके लिए ये दरूद और सलाम का तोहफ़ा लाए हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को पेश किया जाता है। इसी तरह से अल्लाह के जो मुकर्रब तरीन फ़रिश्ते हैं, उन्होंने अल्लाह का अर्श थामा हुआ है वो भी, और जो अल्लाह के अर्श के आसपास फरिश्ते हैं यकीनन वो भी बहुत बड़े मकाम वाले फरिश्ते हैं, वो दुआ मांगते हैं। वो दुआ क्या मांगते हैं? ए अल्लाह, तू अपनी रहमत और अपने इल्म से हर चीज़ को ढांपे हुए है, हर चीज़ हर तेरी रहमत के अंदर है और तेरा इल्म पूरी कायनात की एक एक चीज़ पर इहाता किए हुए है, तू जानता है हर चीज़ को और तेरी रहमत भी बहुत वसी है। इलाही, तू रहम फरमा उन लोगों पर जो तौबा करें, जो तौबा करें तो उन्हें माफ़ कर दे, फिर जो तेरी राह पर चल पड़े, इलाही तो उन्हें जहन्नम से बचा ले, जो तेरी राह पे निकल खड़े हों उन्हें तो जहन्नम से बचा ले। अजीज़ान गिरामी, यहाँ एक वाक़या है। एक शख्स था, उसने 100 लोगों को कत्ल किया था। ये उसका वाक़या है। जब उसने 99 लोग कत्ल कर लिए तो अब उसे ये गुमान हुआ कि उसने जुल्म किया है, उसको तौबा करनी चाहिए। अब ये ख़्याल आते ही वो एक नेक बंदे के पास गया, एक आबिद के पास गया और जाके कहता है कि मेरी बख्शीश हो सकती है, मेरी तौबा, मेरे लिए कोई रास्ता है? तो उन्होंने कहा, नहीं, तुमने 99 जानों का कत्ल किया है, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं। अब ये गुस्से वाले तो थे ही, इन्होंने उनको भी मार दिया। अब 100 पूरे हो गए। अब 100 लोगों को कत्ल करने के बाद ये फिर पछता रहे हैं और बैठे हुए और कह रहे हैं मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। तो इनको किसी ने मशवरा दिया कि फलां बस्ती में कोई आलिम है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी रहनुमाई करे। उस आलिम ने इनकी ये रहनुमाई की कि क्यों नहीं, अल्लाह के पास तौबा के दरवाज़े तो खुले हैं और अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो तौबा करते हैं, जो अल्लाह की राह पे निकलते हैं, जो तौबा के लिए नियत भी करें तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देते हैं, तो तुम निकल खड़े हो। मगर हाँ, एक तो तुम अपना इर्द गिर्द माहौल छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो फौरन ही, जहाँ रह के तुम कातिल बने, एक नहीं, दो नहीं, 100-100 जानों के। तुम ये जगह छोड़ दो, ये माहौल छोड़ दो, ये दोस्त छोड़ दो, ये एरिया छोड़ दो और निकल जाओ उन लोगों की तरफ जहाँ फलां बस्ती में अल्लाह वाले रहते हैं, औलिया अल्लाह की सोहबत में, उलमा की सोहबत में, फलां जगह पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ चले जाओ, उनके साथ उठो बैठोगे और उनसे सुबह शाम इल्म की कोई बात तुम्हारे कानों में पड़ेगी तो तुम्हें बहुत नफ़ा देगी। इन्होंने फौरन ही जाकर सामान बांधा, निकल खड़े हुए। अब ये अल्लाह की राह में अल्लाह वालों के पास रहने के लिए और तौबा करने के लिए और चले जा रहे हैं और इस आलिम ने उन्हें बता दिया कि यहाँ तुम तौबा की नियत करोगे, वहाँ राहें खोलता जाएगा, तुम जाओ और उनके पास दिन रात अपने गुजारो, माहौल भी बदल जाएगा, वो बुरे दोस्त भी नहीं रहेंगे और वो बुरी जगह भी नहीं रहेगी। अब एक चले हैं चंद कदम, इनको मौत आ गई। अब फरिश्ते कहते हैं, आपस में झगड़ पड़ते हैं कि ये हमारा बंदा है जो 100 बंदों का कातिल है, और दूसरे कहते हैं ये नेकी की राह पर चल पड़ा है और ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की पनाह में आ गया। अल्लाह ताला ज़मीन को सिमट जाने का हुक्म देते हैं और नेकी की राह बढ़ जाती है, बुराई की कम हो जाती है, क्योंकि वो बंदा नियत कर लेता है कि वो तौबा करेगा खालिस मुखलिस होकर, और वो जगह छोड़ देता है, वो माहौल छोड़ देता है जिस माहौल की वजह से वो गुनाहों में पड़ा हुआ है, तो अल्लाह ताला उसके लिए राहें आसान कर देते हैं। तो जो तेरे रास्ते पर, जो तेरी पैरवी के लिए तैयार हो जाए, तौबा कर ले, चल पड़े अपने घर से तेरी राह में, तो जो गुनाह उससे हो गए उन सबको माफ़ कर दे। जिन गुनाहों की वजह से वो जहन्नमी बनने जा रहा था उन सबको माफ़ कर दे। ये फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, कौन? जिनकी ड्यूटी खुद अल्लाह ने लगाई है, मुकर्रब फरिश्ते। किन के लिए? अल्लाह से तौबा करने वालों के लिए, अल्लाह की राह पे चलने वालों के लिए, और गुनहगार भी हैं वो, उनके लिए भी। ईमान नंबर 1 शर्त है
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ، اس کے راہ میں نکل کھڑے ہونے کی نیت، اس کے دین پر چلنے کی پیروی کرنے کی اس کے رسول کی نیت اور کوشش۔ اے ہمارے رب، انہیں داخل کر دے، ربنا وادخلہم، انہیں داخل کر دے ان جنتوں میں جو ہمیشہ ہمیش کی ہیں، جو تو نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے نیک لوگوں سے، انہیں وہ جنتیں دے دے۔ یہ فرشتے دعا کریں گے، وہ دعا ہی تبھی کریں گے جب وہ دعا قبول ہونا ہوگی۔ جب اللہ حکم دیتا ہے اور ڈیوٹی لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دعا مقبول ہے، وہ پہلے سے اس دعا کو قبول کر کے ان کو سکھا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرو تاکہ وہ جس کے لیے وہ دعا ہو وہ فوراً مقبول آلریڈی ہی ہے، وہ فوراً وہ اس پر عمل درآمد ہو جائے۔ اور جو ان کے باپ داداؤں میں سے بھی ہیں، اب جنت میں جا کے انہیں دوستوں کی اور انہیں اپنوں کی اداسی بھی نہ ہو، تو وہ جنتیں دے جو ہمیشہ کی ہیں، اور پھر اس جنت میں ان کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، آبا و اجداد، پھر بیویاں، اور جو بیویاں ہیں ان کو شوہر زوج ہیں، پھر اولاد۔ تو ان کے اولاد بھی، ماں باپ بھی، اور بیویاں بھی، اور شوہر بھی، ان سب کو بھی ان کو جنت میں ملا دے، اکٹھا کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو یہ کر سکتا ہے، تو زبردست ہے، تو یہ بات کر سکتا ہے۔ اور پھر ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے، انہیں برائیوں سے تو خود بچا لے، کیونکہ جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا، یعنی قیامت والے دن لوگ بہت سارے گناہ، ڈھیروں ڈھیر گناہ ساتھ ہوں گے ہمارے، تو الہی انہیں بچا لے۔ برائیاں ہیں، برے اعمال ہیں، بس تو انہیں بچا لے۔ جسے تو نے بچا لیا وہ تو بڑی عظیم کامیابی تک پہنچ گیا، اور جسے حساب دینا پڑ گیا تو پھر ایک ایک برائی کی وجہ سے انسان مارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فرشتے دعا کرتے ہیں تو وہ، اے ہمارے پروردگار، تو انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر جن کا وعدہ تو نے کیا ہے، اب ان کے باپ دادا، بیویاں، اولاد جو ان میں نیک تھے، ان سب کو اکٹھا کر دے تاکہ قریب رہنے سے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ اب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرنے کے لیے، اب یہ کہ کوئی نچلی درجے کی جنت میں ہوگا، اب باپ دادا ہیں اگر وہ اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوں، اولاد وہ کم درجے کی ہوں، میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہیں، دونوں ہی جنت میں ہیں، ایک کی جنت چھوٹی ہے، ایک کی جنت اعلیٰ ہے، یعنی جنت میں بھی تو مقام ہے، آٹھ جنتیں ہیں، اب ان آٹھ جنتوں کے بھی درجے ہیں، تو اگر کوئی کم مرتبے والے میں ہوگا تو اس دعا کے بعد ان سب کو اس والی جنت میں بھیج دیا جائے گا جو سب سے، جو جس بندے کے پاس سب سے اعلیٰ والی جنت ہے، اس میں سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اگر وہ کم ترین اس میں ہے تو باقی جو ہیں وہ نیچے آ جائیں گے، نہیں، جو سب سے اوپر والا مقام ہے اس میں ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ینادون لمقت اللہ اکبر، انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی بہت بڑی ہے، من مقتکم، تمہاری ناراضگی اور بیزاری سے، انفسکم، جو تمہیں اپنے آپ پر ہے، اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم انکار کر دیتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دو بار موت دی، واحییتنا اثنتین، اور دو بار تو نے ہمیں زندہ کیا، فاعترفنا، تو ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، ذالکم بانہ، یہ اس لیے فرمایا جائے گا، اذا دعی اللہ، تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں پکارا جاتا تھا، اذا دعی اللہ وحدہ، اس ایک اکیلے اللہ کی طرف، کفرتم، تم نے انکار کیا، تم نے کفر کیا، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ، اور اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو اس شرک کو تم فوراً مان لیتے تھے، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر اور بہت بڑا ہے، هُوَ الَّذِي،
वो अल्लाह ताला तो वो ज़ात है, युरीकुम आयाति ही, वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है, वो युनज़िलु लकुम, और नाजिल करता है तुम्हारे लिए, मिनस समाई रिज़्क़ा, आसमान से रिज़्क़, वमा यतज़क्करु, और नहीं हासिल करते इस बात से नसीहत, इल्ला मन युनीब, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह के सामने रुजू करते हों, जो अल्लाह की तरफ़ पलटने वाले हैं, अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, सिर्फ़ वो ये बात याद रखते हैं कि अल्लाह ताला उनका एक अकेला रब है जो रिस्क देता है आसमानों से। फदउल्लाह, तो तुम बुलाओ, पुकारो अल्लाह को, मुखलिसीना, खालिस करते हुए, लहुद्दीन, दीन को, वलौ करहल काफिरून, भले काफरों को पसंद हो या ना पसंद हो, भले काफिर इस बात से नफ़रत ही क्यों ना करें, तुम अल्लाह को, अल्लाह ताला की बंदगी को खालिस मुखलिस हो जाओ, अल्लाह को पुकारते वक्त खालिस होकर मुखलिस होकर पुकारो। रफ़ीउ दरजाति, वो बहुत बुलंद दर्जों वाला, ज़ुल अर्शी, अर्श का मालिक, युल्की रूह मिन अम्रिही, अपने बंदों में से वही नाजिल करता है जिस पर चाहता है, अला मन यशाउ, जिस पर वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, लियुनज़िरा यौम अत्तलाक, ताकि वो लोगों को इस मुलाकात के दिन से, क़यामत के दिन से डराए। अल्लाह बहुत बुलंद दर्जे वाला है, अर्श का मालिक है, अपने बंदों में से जिस पर चाहे अपने हुक्म से वही नाजिल करता है, युल्की रूहा, वही नाजिल करता है जिसको वो पसंद कर ले, और ये जिस पर नाजिल करता है, जिसको चाहता है, उसको इसलिए भेजता है ताकि लोगों को क़यामत से डराए, इस हिसाब किताब के दिन का बताए, यौमहुम बारिजून, जिस दिन वो बाहर निकलेंगे, ज़ाहिर होंगे, वो ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिन्हुम शय, उस दिन कुछ भी अल्लाह ताला से ज़र्रा बराबर भी छुपा नहीं होगा, जिस दिन ये कब्रों से बाहर निकाले जाएंगे। लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह ताला उस दिन पूछेगा, आज बादशाहत किसकी है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, फिर अल्लाह ताला इसका जवाब भी ख़ुद देगा, उस एक अल्लाह की जो एक ही है, कहार है, अल यौम तुजज़ा, आज जज़ा दी जाएगी, कुल्लु नफ्सिन, हर इंसान को, बिमा कसबत, जो उसने किया, ला ज़ुल्म अल यौम, कोई जुल्म नहीं होगा आज के दिन, इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन, जिस दिन का ये ज़िक्र है, जब ज़मीन मुट्ठी में होगी, जब आसमान को अल्लाह ताला ज़मीन को लपेट देंगे, आसमान को हाथ में ले लेंगे, उस दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं हूँ ज़बरदस्त, मैं हूँ बड़ाई वाला, मैं हूँ बादशाह। कहाँ हैं ज़मीन के बादशाह, कहाँ हैं अफसरकश लोग, कहाँ हैं बड़ाई वाले? ये बात अल्लाह ताला हदीस मुबारका में है कि तीन बार फरमाएंगे, और उस वक्त कोई नहीं बचेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, किसकी बादशाहत है? तीन बार ये फरमाने के बाद अल्लाह ताला अपने आप को ख़ुद इसका जवाब फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस एक अकेले अल्लाह की जो अकेला है, बड़ा गालिब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसी बंदे पर जुल्म नहीं होगा, जब हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, एक एक चीज़ सामने होगी, किसी बंदे के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, बेशक मैंने अपने आप पर जुल्म हराम कर दिया है, और इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है, लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म ना करो। हत्ता के यह भी फरमाया कि मेरे बंदो, ये तुम्हारे आमाल हैं जिन्हें मैं शुमार कर रहा हूँ, फिर तुम्हें इनका पूरा पूरा बदला भी दूंगा, बस जो शख्स खैर व भलाई पाए तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की हमद बयान करनी चाहिए, और जो कोई इसके अलावा पाए तो उसे अपने आप को मलामत करनी चाहिए। वह अनज़िर हूँ, और आप उन्हें डराइए, यौमल आज़िफ़ते, करीब आने वाले दिन से, इज़िल क़ुलूबु, जब दिल, लदल हनाजिरे, हलक तक आ जाएंगे, काजिमीन, गम से भरे हुए। यौमल आज़िफ़ा क़यामत का नाम है,
قیامت کا دن، قریب آنے والا دن، یعنی وہ دن جو قریب ہی ہے. مال ظالمین، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم، نہ کوئی دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی، یطاع، جس کی سفارش مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے خائنۃ الاعین، آنکھوں کی بھی خیانت کو. وما تخفی الصدور، اور اسے بھی جانتا ہے جو ابھی سینوں میں چھپا ہوا ہے. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا. والذین یدعون، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونہ، اللہ کے سوائے دوسروں کو، لا یقضون بشیء، وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں قریب آنے والے دن قیامت سے ڈرائیں، جبکہ اس دن ان کا یہ حال ہوگا کہ غم سے ان کے کلیجے ان کے منہ کو آ جائیں گے، ان کے حلق میں آ جائیں گے. اور ظالموں کے لیے اس دن نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش اللہ سن لے. وہ جانتا ہے وہ رب آنکھوں کی خیانت کو بھی. تم آنکھوں سے دیکھتے ہو کسی چیز کی طرف، کسی انسان کی طرف، کسی عورت کی طرف، کسی کو بھی نظر سے ہی ابھی تمہاری نظر پڑتی ہے، اور تمہارے دل میں آتا ہے کہ یہ گناہ ہونا چاہیے یا ہو بھی سکتا ہے، وہ کرو نہ کرو، ارادہ بھی نہ کرو، صرف ابھی دیکھا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تم بھول جاؤ گے مگر اسے یاد ہوگا، وہ یاد کرا دے گا. اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ تو کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے اور نہ ہی کر سکتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کی دھڑکنوں سے اور مخفی تمام باتوں سے واقف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگنے کے لیے بھی آپ نے سکھایا کہ الہی ہماری آنکھوں میں بھی شرم اور پاکیزگی عطا فرما، ہمارے زبان کو بھی شرم اور حیا اور صاف اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو بھی اطمینان اور ایمان عطا فرما، اور اس میں بھی اپنا گھر بنا دے. اولم یسیروا فی الارض، کیا لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، تو پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم، وہ لوگ جو تھے، اشد منہم قوتن، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، وہ آثارن، اور ان سے زیادہ ان کی چھوڑی ہوئی نشانیاں تھیں، فی الارض، زمین میں. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وما کان لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے.